नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नाव में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और कहीं ना कहीं इस खबर से एआरटीओ बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग के लखनऊ जोनल निरीक्षण करने उन्नाव पहुंचे थे। जोनल के जाते ही दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज के विजुअल्स करने से भ्रष्ट अधिकारी बौखला गए हैं। जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर एआरटीओ प्रशासन की मौजूदगी में महिला एआरटीओ परिवर्तन बौखलाती हुई नजर आ रही है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के रिपोर्टर को धमकाया है, स्ट्रिंग में सारी तस्वीरें कैद हो गई है। दफ्तर में लगे सीसीटीवी को लेकर परिवहन विभाग के लखनऊ जोनल से सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने के बाद एआरटीओ परिवर्तन प्रतिभा भड़क उठी। लखनऊ जोनल सुरेंद्र कुमार के एआरटीओ से जाने के बाद एआरटीओ परिवर्तन बौखलाती हुई नजर आई है। मेरे सहयोगी विपिन वहां पर मौजूद थे और उनको धमकाते हुए एआरटीओ अधिकारी कैमरे में कैद हुए हैं। दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने भ्रष्टाचार की खेती करने वाली आरटीओ के चेहरे को बेनकाब किया था। खबर का संज्ञान लेकर लखनऊ जोनल जांच करने पहुंचे थे उन्नाव एआरटीओ, जिसके बाद यहां इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। आरटीओ बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर यह हुआ है कि यहां पर चेकिंग करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद जो यहां पर सीसीटीवी थे उसके विजुअल्स बनाने के लिए मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, लेकिन ये नागवार गुजरा और यहां पर बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जाती है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की यहां पर हद है। यहां पर ऐसे लोगों को बाबू बनाया गया है जो कि जेल भी जा चुके हैं, लेकिन पैसों की बंदरबांट को लेकर, पैसों की खातिर यहां पर रिश्वत भी ली जा रही है और फिर उसके बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कैमरे पर सब चीजें कैद हुई है, जिसके बाद ये बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। परिवहन विभाग के लखनऊ जोनल निरीक्षण करने उन्नाव पहुंचे थे और उसके बाद जो दफ्तर में सीसीटीवी फुटेज के विजुअल्स कवर हम करने लगे तो यहाँ पर बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। सुनिए, सर के सामने इसी दफ्तर में जस्ट अभी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और सीसीटीवी को लेके मैंने सवाल भी किए हैं। इसका फुटेज मैं कर रहा हूँ, कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, आप फिर मैं परमिशन तो ही साहब सामने बैठे ना, अगर परमिशन में रोक लगा दे बिल्कुल नहीं होगा। वो रोक लगा दें कि मीडिया नॉट अलाउड, मैं अंदर नहीं आऊँगा जी। जी, मैम एक प्रोफेशनल के उससे जिस तरीके से अभी साहब से बात हुई, हमने सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया, उसका कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं, शॉर्ट कर रहा था। अब कोई बात नहीं, जो हो गया है तुम्हारा हो गया जी। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आओगे ऑफिस में बिना पूछे कुछ भी करने लगोगे ऐसे तो? मैम ये तो फिर पत्रकारिता पे अवेलेबल लगाना है, आरोप लगाने हैं जी। आरोप तो वो क्या कहते हैं जज, मैम आप ये तो आप ही लगा रही हैं, क्या आरोप, क्या जा क्या रहा आरोप है? नहीं नहीं, आप तो पूरी तरीके से पत्रकार को धमकाने वाला काम कर रही हैं। नहीं नहीं मैम, ये आप धमका रहे, मैं साहब के सामने, जोनल साहब बैठे थे उनके सामने बाकायदा मैंने सवाल किया, वो जस्ट बाहर निकल गए, हमने कभी बाइट कर लिया, पहले बाइट कर लिया, वो तुरंत खड़े हो गए। मैम धमकाते नहीं है, मैम धमकाते नहीं है, धमकाना मीडिया का काम नहीं मैम, अधिकारियों का काम है। मैडम धमकाने का काम मीडिया का नहीं है, मीडिया का नहीं धमकाने का, अधिकारी धमकाते पत्रकारों को, आप हरेसमेंट आप लोग कर रहे हैं ना। ये देखिए मेरे सहयोगी विपिन यहाँ पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछने की कोशिश की तो यहाँ पर सवाल पूछते ही कुछ ऐसे अधिकारी थे जो भड़क उठे, महिला एआरटीओ परिवर्तन भड़क उठी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप ऐसे विजुअल्स नहीं बना सकते। हालांकि मेरे सहयोगी लगातार कह रहे हैं कि मैं परमिशन लेकर अंदर आया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ताकि उनका काला चिट्ठा जो है वो कैमरे में ना कैद हो जाए, इसी वजह से वो भड़क उठी और यहां पर मेरे सहयोगी से कहा गया है कि आप बाहर जाइए, आपने विजुअल्स बना लिए हैं, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते, ना ही आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए विपिन से ही जानेंगे कि जब वो यहां मौजूद थे तो किस तरह की बातचीत उनसे की गई है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे उन्नाव से। विपिन, जब आप पहुंचे आरटीओ कार्यालय, कैसी तस्वीरें थी वहां पर और किस तरह का बर्ताव आपसे किया गया?
देखिए गाजोल, साफ तौर से आपको बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने लगातार एआरटीओ के काले चिट्ठे को बेनकाब किया और बाकायदा एक वीडियो वायरल हुआ था सरकारी बाबू का रिश्वत लेते हुए। उसमें बाबू ने आरोप लगाए थे कि एआरटीओ आदित्य त्रिपाठी साहब जो है उनको 2000 जाएगा और बाकी का हिस्सा उनमें बटेगा। तो इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस चेहरे को बेनकाब किया था। उसके बाद से इस खबर को प्रमुखता से न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने उठाया था। और हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखते हुए लखनऊ के जो जोनल है रविंद्र सुरेंद्र कुमार, वो उन्नाव एआरटीओ जांच करने पहुंचे थे और उसी दौरान एआरटीओ की मौजूदगी में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और जांच सभी दस्तावेज जांचे। इसके बाद जब जोनल वहां से निकलने लगे तो निकलते ही दफ्तर के अंदर हम दाखिल हुए और बाकायदा एआरटीओ के केबिन में जाकर जहां सीसीटीवी की निगरानी होती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका वीडियो बनाने लगे। इसके बाद से जो वहां पर प्रतिभा गौतम जी हैं वो जो एआरटीओ प्रशासन के साथ बैठे हुए एआरटीओ परिवर्तन प्रतिभा गौतम, वो लगातार एआरटीओ के साथ सामने ही खुलेआम बाकायदा न्यूज वर्ल्ड के रिपोर्टर विपिन शर्मा को धमकाने लगे। लगातार हम मैडम से लगातार बात करने लगे कि आखिर इसमें किस बात को लेकर हमने धमकाया है, धमकी क्यों, किस वजह से, जब परमिशन लेकर आप अंदर गए तो फिर क्यों बौखलाहट इतनी देखी जा रही है, आखिर क्या अंदर राज है जिस पर से अगर पर्दा उठेगा तो पूरे एआरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच जाएगा, क्या कुछ ऐसी तस्वीर, क्या कुछ ऐसा मामला है? देखिए काजोल, यहाँ पर एक सबसे बड़ा मामला निकल के आया है कि जिस तरह से न्यूज वर्ल्ड ने एआरटीओ के अंदर बाहरी दलालों को प्रवेश दिया जाता है, इसको लेकर बेनकाब किए चेहरों को बेनकाब किया था। उसके बाद से जो जोनल थे वो निरीक्षण पर थे, उसके बाद जोनल से हमने कई सवाल किए और जहां तक ये जो मामला उठ रहा है सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमने सवाल किया कि आखिर सीसीटीवी फुटेज अगर उनके हैंड ओवर लग गया तो बाकायदा एआरटीओ के काले चिट्ठे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, काले चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, जो बाकायदा सीट पर सरकारी बाबू की तरह जो बाहरी दलाल हैं वो बर्ताव कर रहे हैं, जो सरकारी फाइलों में हस्ताक्षेप करे वो बाकायदा सारे चेहरे जो है बेनकाब हो जाएंगे। इसको लेकर हमने जोनल से सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल किया, हालांकि जोनल ने भी पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, आरटीओ को बचाते रहे, हालांकि जिसके बाद जोनल के जाते ही हमने वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज से चारों तरफ से है और जो बड़ा खेल है वो बड़े अधिकारियों तक खेला जा रहा है। विपिन, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये हालात नाव में है जहां पर आरटीओ कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्ट नजर आ रहा है और मिली भगत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और जो भ्रष्टाचार की नींव यहां रखी गई है उस नींव को खोदने की कोशिश कर रहा है। आप देखना होगा कि किस तरह का यहां पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है।